नमस्कार, ये कहानी है 26 वर्षीय लीला की। लीला अपने किराए के मकान में रहती थी और अपना जीवन बड़े ही व्यवस्थित रूप से निर्वाह कर रही थी। आपको बता दें कि लीला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि यही खूबसूरती उसकी जान ले सकती है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाहर। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाहर। एक तू ही धन। इधर एक तरफ लीला इतनी साफ दिल की थी और दूसरी तरफ उसका मकान मालिक बड़ा ही हरामखोर था। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि लीला के मकान मालिक की नजर बहुत ही गंदी थी। गंदी बोले तो वो वाली गंदी नहीं, उसकी नजरों में डर था। आपको बता दें कि मासूम लीला का पति बाहर जॉब करता था और उसका देवर दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका हमें और आप सभी को डर था। यानी आप खुद आगे देख सकते हो, और देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। सुनिए, अरे सुन भी लीजिए ना, अरे सुनो ना। पटुआ समूलेरी पतली कमर, राम जी ने छोड़ी को न की तेरा कसर। अबे तो दोस्तों, सवाल यह पनपता है कि लीला के मन में क्या खोट थी, या लीला अपने निजी जीवन से संतुष्ट नहीं थी। आपको क्या लगता है? अभी वीडियो को पोस्ट करें और कमेंट करें बिना आगे का देखे हुए। नहीं बाबी जी, मेरे होते हुए ये सब नहीं हो सकता। अरे पगले, तुम नहीं जानते, तुम्हारे भैया का कॉल आया था, किराया जो देना है तुम्हें नहीं पता है, तुम आओ जी। ठीक है भाभी जी, फिर चलते हैं। ये लीजिए आपका 2000 किराया। 21-2, 21। लीला के भावनाओं को ठेस पहुंची थी और लीला को अपने मकान मालिक से ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप लीला की जगह होते तो क्या करते? अभी वीडियो में कमेंट करें और हमें बताइए, अभी तुरंत। तुम्हें तो किस नहीं एक थप्पड़ मिलेगी। अबे साले, सारे के सारे कैरेक्टर में गुस्से है। 2100 दो, किस्त नहीं दो, 2100, 100 रुपए और दो। लाइट बिल कौन देगा? सॉरी जी। क्या सॉरी सॉरी सॉरी? सुबह से वो अजय माली मेरे को वीडियो के अंदर गंदा गंदा बोल रहा है। जैसे भाई गया है कपड़ा बदलने। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आखिर में घंटा दबा दीजिएगा।